लेकर आ गए हैं, फिर से हम बातचीत करने वाले हैं संतोष शिंदे जी के साथ। तो हम हमारा ये नया वीडियो और हमारी ये जो सीरीज है इसको हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा विषय है कि क्या अगर बच्चों को कोई तकलीफ होती है, बच्चों को कुछ नहीं मिलता है या फिर उनको कुछ तकलीफ होती है, तो उनके लिए क्या क्या कानूनी व्यवस्था है। जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, कोर्ट होता है, उसको लोग लेकर जाते हैं, तो वैसा है। हाँ, तो ठीक है। और बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं और धन्यवाद कबीर, आज फिर से हम बात करेंगे कि बच्चों के संदर्भ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किन किन व्यवस्थाओं के पास बच्चे, बच्चों के माँ बाप और अलग लोग जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात होगी कि जहाँ हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और बच्चों की इस व्यवस्था का इस्तेमाल आम इंसान कैसे कर सकता है। तो बाल न्याय बच्चों की सुरक्षा और जो अधिनियम है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में बात की है। राज्य स्तर के ऊपर व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यवस्थाएं हैं, जिला स्तर के ऊपर अलग व्यवस्थाएं हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो व्यवस्था है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये व्यवस्था है। नेशनल कमीशन के सामने आप बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के सारे केसेस लेकर आ सकते हैं और इस अधिकारों का जब बच्चों के उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी संस्था हो, वो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास अपना केस दर्ज कर सकती है। राज्य स्तर के ऊपर जो व्यवस्था है उसमें दो व्यवस्थाओं का खास जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। राज्य स्तर के ऊपर राज्य बालक संरक्षण आयोग है जिसका ऑफिस पर्ली में है और राज्य स्तर की इस व्यवस्था में आप देख सकते हो कि जहाँ बच्चों के अलग अलग अधिकारों का जहाँ उल्लंघन होता है उसके बारे में राज्य के कमीशन के पास, राज्य आयोग के पास कोई भी व्यक्ति आ सकता है। राज्य का जो आयोग है वो तीन स्तर के ऊपर काम करता है। जैसे हमारे हाईकोर्ट के डिवीज़न होते हैं वैसे राज्य बालक का संरक्षण आयोग भी काम करता है, मुंबई डिवीज़न में काम करता है। तो मुंबई डिवीज़न के जितने भी सारे केसेस होते हैं उनके वहाँ पर उनकी पेशी होती है और वहाँ पर उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। औरंगाबाद डिवीज़न है और नागपुर डिवीज़न है, तो औरंगाबाद जिले, औरंगाबाद डिवीज़न के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के केसेस वहाँ पर किए जाते हैं और नागपुर डिवीज़न में जितने भी नागपुर डिवीज़न के ज़िले हैं वहाँ पर वो केसेस किए जाते हैं। तो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन के जितने भी केसेस होते हैं, चाहे वो फिर राइट टू एजुकेशन का कानून हो, चाहे वो फिर वो पॉक्सो कानून हो, या फिर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने के बाद जहाँ पर लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पर न्याय मिलवाना है, इसके संदर्भ में राज्य स्तर के कमीशन के पास लोग आ सकते हैं। राज्य स्तर का जो कमीशन होता है उसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं और यहाँ सभी लोगों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनका दर्जा होता है और इनकी सबकी जिम्मेवारी ये होती है कि उनके पास जो केसेस आते हैं उनको सुनने के बाद राज्य सरकार को वो रिकमेंडेशन देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और राज्य सरकार को जब कमीशन रिकमेंड करता है तो राज्य सरकार को उसको पूरा नियोजन करना, उसका अमल बजावनी करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो इस तरह के बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन के केस अगर कोई कहीं राज्य स्तर के ऊपर लाना होता है तो कमीशन की मदद हम ले सकते हैं। दूसरा जो राज्य स्तर के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था जो है वो है मुंबई हाईकोर्ट में 5 सिटिंग जजेस की एक कमेटी बनाई गई है और इनके सामने जितनी भी सारी व्यवस्थाएं बच्चों के संदर्भ में काम करती है अगर वो ठीक से काम नहीं करती है तो इनके सामने कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को एक खत लिखकर अपना केस उनके सामने लेकर आ सकता है और उनको सुमोटो केस लेने का अधिकार है। जैसे कमीशन को सुमोटो केस दाखिल करने का अधिकार है वैसे ये जुवेनाइल जस्टिस कमिटी जो है जो हाईकोर्ट के 5 सिटिंग जजों की होती है उनको वो अधिकार है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि इस तरह के केसेस अगर उनके सामने कोई लेकर आता है तो उसको लेकर वो काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ 2 व्यवस्था है राज्य स्तर के ऊपर जिसकी मदद हम सभी लोग ले सकते हैं और इनके पास जाना काफ़ी आसान है। ऐसे कोई भी फीस नहीं लगती है। इनके सामने जब हम केस लेकर जाते हैं तो किसी भी तरह की फीस नहीं लगती है, किसी भी तरह की वकील को आपको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप भी अपना केस इनके सामने चला सकते हैं। अगर हाँ, इसमें अगर आपको लगता है कि किसी वकील की मदद लेकर आपको इनके सामने केस लेकर जाना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वकील की मदद लेकर ही आप केस कर सकते हो। तो ये आसान है,
बच्चों के अधिकारों के लिए आपका अगुवापन और आपको इन व्यवस्थाओं के पास जाना। अभी हम बात करते हैं जिला स्तर के ऊपर किस तरह की व्यवस्था है, और जिला स्तर के ऊपर अलग अलग तरह की व्यवस्था है, जिसमें अगर आप देख सकते हो कि बाल न्याय जो कानून है उसके तहत बाल कल्याण समिति यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। बाल कल्याण समिति जो होती है वो जिला स्तर के ऊपर होती है, और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र के सभी जिलों में यह व्यवस्था बनाई गई है, और सभी जगह पर यह व्यवस्था बनाने के बाद इस बाल कल्याण समिति की मदद जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है ऐसे सारे बच्चों के बारे में इस समिति की सहायता हम ले सकते हैं। इस समिति को जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अधिकार होते हैं, यानी क्या, तो यह समिति बच्चों के अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन कोई भी व्यवस्था करती है तो उनको समन्स करना, उनको उनके सामने बुलाना, उनको सामने बुलाकर उनकी बात सुनना और उसके बारे में डायरेक्शंस देना, यह सारे काम बाल कल्याण समिति करती है। और बाल कल्याण समिति की मदद से हम हमारे ज़िले के हमारे राज्य के सभी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए इस समिति के पास जाना बहुत ज़रूरी है। यह समिति कहाँ बैठती है? हमारे राज्य के हमारे ज़िले के जो बाल गृह होते हैं इस बाल गृह में यह समिति बैठी है। कुल मिलाकर 5 लोग इस समिति में होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, और इन सबकी मदद हम ले सकते हैं। और इन सबकी मदद लेकर हम पुलिस का संदर्भ हो, किसी भी बालगृह का संदर्भ हो, किसी भी स्कूल का संदर्भ हो, बाल विवाह का मुद्दा हो, बाल मजदूरी का मुद्दा हो, या किसी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय करने वाला मुद्दा हो, तो ऐसे सारे मुद्दों में हम बाल कल्याण समिति की मदद लेकर काम बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी जो जिला स्तर के ऊपर व्यवस्था होती है वो होती है बाल न्याय मंडल। बाल न्याय मंडल क्या होता है? तो बच्चे गुनाह का कृत्य करते हैं, जो बच्चे गुनाह करते हैं, हालांकि कानून ये मानता है कि बच्चे गुनाहगार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में बच्चों को अलग अलग तरह का गुनाह का कृत्य करने के लिए आज समाज उसको तैयार करता है। तो ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए बाल न्याय मंडल की व्यवस्था बनाई गई है। बाल न्याय मंडल में 3 लोग होते हैं, जिसमें एक मैजिस्ट्रेट होते हैं और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। 3 लोगों का यह जो बेंच होता है, यह बेंच इन बच्चों का पुनर्वसन हो, यह बच्चा फिर से गुनाह ना करे, इसके लिए काम करता है। और ऐसे ही प्रकार के निर्णय लेने का जिम्मा इस बाल न्याय मंडल को होता है। बाल न्याय मंडल जिला के संप्रेषण गृह या निरीक्षण गृह में बैठता है, और महाराष्ट्र के और भारत के सभी जिलों में अगर हम देखते हैं तो बाल न्याय मंडल आज के तारीख में सभी जिलों में कार्यरत है। तो इनके पास जाकर हम जो बच्चे गुनाह का कृत्य करते हैं उनका पुनर्वसन करने के लिए बाल न्याय मंडल की हम मदद ले सकते हैं। तीसरी जो व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, वो है विशेष बाल पुलिस पदक, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या होता है? तो हर ज़िले में पुलिस को ऐसा एक इकाई बनाना होता है जिसमें पुलिस के लोग होंगे और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, इनकी मदद से यह एक यूनिट बनता है। और यह यूनिट ज़िले में बच्चों के अपराध को रोकथाम करने के लिए और जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए यह इकाई बनाई गई है। और इस इकाई की मदद लेकर हम हमारे जिला स्तर के ऊपर इनकी मदद लेकर हम हमारे ज़िलों में बच्चों की मदद करने का एक अलग प्रयास कर सकते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है हर एक पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। अभी यह क्या होता है? तो कानून में यह बताया गया है कि हर एक पुलिस स्टेशन में बच्चों की मदद करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होना जरूरी है। और यह अभी के कानून में नहीं तो 2000 के कानून से यह बताया गया है कि इस तरह की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और आज के तारीख में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके ज़िले के, आपके राज्य के या आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस तरह का कोई बंदा आज है या नहीं, अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं कि आपके पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वहाँ पर मौजूद है तो उसकी मदद हम बच्चों के केसेस में ले सकते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसके वजह से बच्चों के जो गुनाह हैं उसको रोकथाम करने का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और पूरे इलाकों में एक बाल स्नेही वातावरण तैयार हो, इसके लिए वातावरण तैयार करना, यह एक महत्वपूर्ण काम इस अधिकारी का, इस व्यक्ति का होता है। आपने बताया कि ये जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ये
मतलब ऐसे अपने हमारी जो है नॉर्मल पुलिस के साथ ही रहता है या फिर वो पुलिस का आदमी होता है? पुलिस का आदमी ही होता है, पुलिस ही होता है वो। लेकिन वो अगर बच्चों का कोई केस पुलिस स्टेशन में आता है तो उसको खास उसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है, बच्चों के केसेस कैसे हैंडल करना, बच्चों के साथ कैसे बात करना, बच्चों को कैसे मदद करना। तो इस तरह की व्यवस्था आज बनाई गई है और हमारे सभी पुलिस स्टेशन में ये लोग आज की तारीख में अच्छा काम करते हैं। और जिला स्तर के ऊपर और एक जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह है बाल मजदूरी के खिलाफ जो एक टास्क फोर्स होता है उसका गठन। जिलाधिकारी जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है और हर एक जिलों में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है, कोई भी बच्चा काम ना करे, कोई भी बच्चा काम की जगह पर ना रहे, इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। और बच्चों ने काम नहीं करना चाहिए, बच्चों की जगह घरों में है, बच्चों की जगह सुरक्षित जगह पर है, बच्चों की जगह बच्चों ने पढ़ना चाहिए, बच्चों ने खेलना चाहिए, लेकिन बच्चों ने काम की जगह पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए यह टास्क फोर्स जो है वो काम करता है। और यह टास्क फोर्स अगर आपके जिलों में काम नहीं करता है तो आप बिल्कुल इसकी जानकारी आपके जिला के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं या कलेक्टर होते हैं उनको दे सकते हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं जो है, ये सारी व्यवस्थाओं की मदद लेकर हम बिल्कुल हमारे जिला स्तर के ऊपर काम कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो जिला में होती है वो है जिला बाल संरक्षण कक्ष, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। यह जो यूनिट होता है यह प्रिवेंशन लेवल और रिस्पॉन्ड लेवल यह दोनों स्तर के ऊपर यह काम करता है। और मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था है बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर बनाई गई है। और हमारे सब बड़ों की जिम्मेवारी है कि इन सब की मदद लेकर लेना, इनकी सबकी सहायता लेना और हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं की मदद लेना और बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित करने के लिए हम सबको मदद करना, ये इन व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी है। तो आइए हम इन सब की मदद लेते हैं और बहुत बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं। धन्यवाद। हाँ तो संतोष जी, हमें ये जो आपने जो बताया अभी इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला और हम आगे भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे व्यूवर्स को ये पसंद आए और जो है अभी हम अगले हफ्ते ये वीडियो को फिर से लेकर आएंगे, अलग अलग वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जनता का इना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चले।